हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म। हेलो गाइस, आज का टॉपिक डिस्कशन है हमारे लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। जिस तरीके से आपने सीरीज में देखा होगा कि मैं आपका पहला ही इंट्रोडक्शन करवाया था कि किस तरीके से देखिए आप डिस्प्ले पे कि हमने एक एक टॉपिक को किया, तो लगातार हम अपने टॉपिक पे जा रहे हैं और टॉपिक में अब है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट में हमारे बहुत सारे टॉपिक अभी आ रहे हैं जिसको मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहां पे मैं इन टॉपिक को इंडिविजुअल लिखता तो हमारे 15 टॉपिक से बहुत ज़्यादा हो जाता, जो कि सिलेबस बहुत वाइड देखने में लगता। अब हम इस सिस्टम के अंदर, सब सिस्टम के अंदर घुस रहे हैं ताकि आपको आसानी से सब समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिएगा, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट के अंदर डिस्कस करना है यूजेज ऑफ PMMC, इसी को डी आर्सनल गैल्वेनोमीटर भी कई बार बोला जाता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रहे। नेक्स्ट दूसरा टर्म है हमारे लिए टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन, THD देखना है। नेक्स्ट पॉइंट में देखूंगा पोटेंशियोमीटर, नेक्स्ट पॉइंट देखूंगा मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, नेक्स्ट देखूंगा कलर कोडिंग। एक्चुअली मैं रेजिस्टेंस ही ढूंढ रहा था, अभी रेजिस्टेंस कहीं खो गया है, तो मैं आपको इमेज के थ्रू दिखा दूंगा। मैं बाकी चीज़ों को चाहता हूँ कि पूरे हर एक चीज़ आपको विजुअलाइज हो, ठीक है। और नेक्स्ट देखूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ये ऐसे पॉइंट है कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो मैंने इसमें कंसीडर करा है। हालांकि इसके अंदर CRO आते हैं, लेकिन CRO को और मैगर को मैंने अलग टॉपिक में लिखा था, लेकिन मैगर को मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि रेजिस्टेंस मापूंगा तो चाहता हूँ मैगर भी यहाँ डिस्कस कर लूँ। और CRO के लिए अच्छा टॉपिक कर दिया, वो एक अलग कर दिया क्योंकि CRO थोड़ा बड़ा सा टॉपिक है, तो वहाँ पर हम CRO को देख लेंगे। तो इन टॉपिक को अपने के लिए देखना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं इसके रिगार्डिंग यूजेज ऑफ PMMC। सबसे पहले यूजेज ऑफ PMMC की क्या बात हो रही है यहाँ पे, जब हमने पहले PMMC बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। देखिए, वहाँ पे हमारे लिए PMMC की एक लिमिटेशन थी कि ये सिर्फ और सिर्फ किसको मेजर करता है, DC को। PMMC सिर्फ और सिर्फ DC को मेजर कर रहा था। ये देखिए, ये जो इक्विपमेंट्स है हमारे, सिर्फ और सिर्फ DC को ही मेजर कर रहा था। या लेकिन एक्यूरेसी की बात करें तो PMMC इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी सबसे बेहतर होती है। सबसे ज़्यादा अपन डेली लाइफ में यूज़ करते हैं अपन लेबोरेटरी में या कहीं भी MI टाइप का इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये सस्ता पड़ता है। लेकिन सबसे बढ़िया एक्यूरेसी के लिए जब भी हम यूज़ करते हैं PMMC। आप कहोगे सर PMMC तो DC के लिए मेजर करता है, तो क्यों आप फिर PMMC की बात कर रहे हो बार बार। देखो, इसका रीज़न है PMMC को हमेशा DC पे ही रीड करता है, नो डाउट, कोई दिक्कत, लेकिन हम इसमें कुछ टेक्निक ऐसा यूज करते हैं कि ये AC भी मेजर करना शुरू कर दे। आप कहोगे सर ऐसा कौन टेक्निक यूज करोगे, तो हम कहेंगे है हमारे पास इनपुट AC ही, ध्यान समझिएगा, हमारे पास इनपुट है AC ही, लेकिन इसको रेक्टिफायर लगा के, इसमें रेक्टिफायर लगा के, रेक्टिफायर आई होप देखा होगा आप लोगों ने, नहीं देखा हो तो मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा, रेक्टिफायर लगा के इसको कन्वर्ट किसमें कर दूंगा, DC में। ये DC में बन जाएगा। अगर ये DC बन जाएगा, अब इस लोड से होके जो भी करंट गुजरेगा या जो भी वोल्टेज गुजरेगा, वहाँ पे हम लगा दूंगा क्या PMMC। मान लो अगर यहाँ पे एमीटर मापना है, करंट मापना है, तो इसके सीरीज में क्या लगा देंगे, एमीटर, किसका जी, PMMC का, किसका, PMMC का। तो जब DC बन चुका होगा तो DC को तो रीड कर देगा, जब DC के वैल्यू को रीड कर देगा, तो जब ये रीड किया तो बचा AC। तो आप कहोगे सर ये तो DC को किया ना, फिर भी AC से कन्वर्ट हमने कर दिया, DC रेक्टिफायर की मदद से आपने क्या कर दिया, DC में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन जब DC में कन्वर्ट कर दिया तो ये DC को मापा, नो डॉट, मैं कहूँगा हाँ ये जो करंट मापा गया है वो कौन सा वैल्यू मापा गया है PMMC के द्वारा, वो DC मापा गया, क्या, DC। लेकिन अपने को मापना क्या था, उसमें कितना AC जा रहा है ये मापना था, तो आपको आई करंट AC मापना था। तो इसीलिए यहाँ पे एक ट्रिक होता है कि इसमें कुछ ना कुछ गुना होगा, x से कुछ ना कुछ गुना होगा। अब कितना गुना होगा ये यही टर्म बताएगा। ऑब्वियसली जो मेजर कर रहा है ये करंट, इसका मतलब वो क्या होगा, वो तो DC को माप रहा है, चूंकि आपने AC को कन्वर्ट कर दिया DC में, तो DC को माप रहा है, ठीक है, DC को माप रहा है। लेकिन जब आपको AC के कितना माप है ये पता करना है कि इसको कितना AC दिया जा रहा है करंट, तो उसको पता करने के लिए जरूर कुछ ना कुछ अलग टर्म से गुना करना पड़ेगा, और ये गुना कर दोगे तो ये बता देगा कि करंट AC करंट कितना जा रहा है, AC करंट कितना जा रहा है। अगर सिमिलरली बार टर्म बात की जाए वोल्टमीटर की, यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा दिया जाए, किस टाइप का, PMMC टाइप का, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो आप समझो PMMC टाइप का यहाँ पे वोल्टमीटर लगा दिया गया। ये वोल्टमीटर कैसा है, PMMC टाइप का।
तो ये वोल्टेज मापेगा तो कौन सा वोल्टेज मापेगा, क्योंकि यहाँ से डीसी जा रहा है तो वो भी डीसी मापेगा। कहेंगे हम कि जो पीएमसी वोल्टमीटर माप रहा है ये भी क्या माप रहा है जी, डीसी। तो अपने को क्या चाहिए कि एसी वोल्टेज कितना है, एसी वोल्टेज कितना है, तो कहेगा कि जो भी है इसमें कुछ ना कुछ चाहे एक्स वन आपसे गुना कर दीजिए, जो भी गुना करने के लिए बोलेगा हम उसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, और जो भी वैल्यू गुना का होगा वही वैल्यू आपका रिजल्ट निकल जाए। इसका मतलब क्या, रीडिंग अब भी पीएमएमसी से ले रहे हैं लेकिन कुछ गुना करके वो एसी बता दे रहा है, कुछ गुना करके वो क्या कर रहा है, एसी के वैल्यू को बता दे रहा है। ये मेन टारगेट होता है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पीएमएमसी की एक्यूरेसी ज्यादा होती है ना, ये एरर कम से कम बताता है। अब समझिएगा यही आपके पास इंस्ट्रूमेंट है। देखिए क्यों मैं उस दिन बोला था कि इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है, लेकिन इसके रीजन क्या है मैं नहीं बताया। इसके अंदर देखिएगा, जब इस इंस्ट्रूमेंट को खोलूंगा मैं तो देखिए इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर देखिएगा, आप देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का कुछ लगा हुआ है ना, इज इट विजिबल, एक ब्लैक कलर का एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, एक डायोड लगा हुआ है, ब्लैक कलर का डायोड लगा हुआ है। मेरे पास सब थे पर इंस्ट्रूमेंट अभी गायब है, पर इमेज में मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो यहाँ जो देखिए डायोड लगा, इसका मतलब ये पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट था लेकिन इसमें एक डायोड लगा दिया गया। एक डायोड की मदद से हम जो भी वैल्यू मेजर करेंगे उसमें आखिर कितना गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ वेव ये बन गया होगा। अगर दो डायोड यहाँ लगा होता तो बनता फुल वेव रेक्टिफायर, यानी रेक्टिफायर दो तरीके का होता है, एक तो हाफ वेव होता है एक होता है फुल वेव। तो अगर हाफ वेव का रेक्टिफायर लगाया हूँ तो कितना से गुना करना पड़ेगा, अगर आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है तो कितना गुना करना पड़ेगा ताकि एसी का वैल्यू रीड हो जाए। यही होता है यूजेज ऑफ पीएमएमसी आल्सो इन द केस ऑफ एसी, लेकिन यहाँ पे एक फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाता है। आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से समझा होगा, मैं और आपको क्लियरिटी से समझाने की कोशिश करता हूँ। समझिएगा, एक पीएमएमसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट में रेंज एक्सटेंशन मैंने आपको कराया था। रेंज एक्सटेंशन की अगर बात की जाए तो रेंज एक्सटेंशन वहाँ पे जो हो रहा था, एक उसमें क्या था, एक एमीटर है वो 5 एम्पीयर, उसकी रेटिंग है 0 से 5 एम्पीयर, ठीक। तो 0 से 5 एम्पीयर की अगर रेटिंग है तो ऐसे कंडीशन में वो क्या कर रहा था, 5 एम्पीयर ही मापा। लेकिन जब रेंज अपन बढ़ा रहे थे तो उसमें संट में एक रेजिस्टेंस जोड़ते थे जो कि बहुत स्मॉल वैल्यू का होता था, तो संट से वैल्यू गुजारते थे तो ज़्यादा करंट गुजारने के लिए क्या 5 एम्पीयर से ज़्यादा करंट गुजारने के लिए संट से गुजारना पड़ता था, लेकिन उसमें की रीडिंग तो तब भी कितनी जाती थी, 5 एम्पीयर। लेकिन समझो अगर जब एक्सटेंड कर रहा हूँ तो संट में जोड़ रहा हूँ तो उसके लिए क्या करना पड़ता था, रीडिंग तब भी 5 ही मैक्सिमम 5 दे सकता था, और संट से अपन करंट बाईपास करते, मान लो अपने को 25 एम्पीयर मापना था तो उससे तो अंदर से तो 5 ही जा रहा था, बाकी करंट नीचे जा रहा था, तो उसमें एक मल्टीप्लायर एम गुना करना पड़ा, यानी जो हमको टोटल वैल्यू आई मापना था उसमें क्या गुना करना पड़ा, एम इंटू पीएमएमसी की जो रीडिंग होती, तो ये रेंज को बढ़ा देता था। क्लियर, ये रेंज को बढ़ा देता था तो वहाँ मल्टीप्लायर चीज़ें होती थी। उसी तरीके से होता है कि क्योंकि ये तो डीसी के वैल्यू को मापेगा रेक्टिफायर के बाद, है ना, तो डीसी को मापेगा तो अपने को पता करना है कि एसी कितना था, एसी इनपुट कितना था। अगर ये पता करना है कि एसी के वैल्यू को पता करना है तो इस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ टर्म गुना कर देते हैं। इसलिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, नॉट ओनली एसएससी जेई, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ये चीज़ देखने को मिलता है, इवन गेट के अंदर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसी को से हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हमारे पास देखिए हमने क्या किया, यूजेज ऑफ पीएमएमसी इन केस ऑफ एसी, यानी इन एसी के केस में भी अगर पीएमएमसी से अपने को वैल्यू मापना है तो क्या करें। डी आर्सेनल, कई बार ध्यान रखना ये नाम कंफ्यूज कर देता है, डी आर्सेनल से बोल देता है कि डी आर्सेनल आपका मीटर है, तो आपको समझना पड़ेगा डी आर्सेनल मतलब पीएमएमसी टाइप का इंस्ट्रूमेंट। अब हमने पॉइंट क्या लिखा, मेजरमेंट ऑफ एसी, एसी के चाहे वो करेंट वैल्यू हो या वोल्टेज का वैल्यू हो, इन यानी इन मेजरमेंट ऑफ एसी बाय पीएमएमसी, बाय क्या होगा, PMMC परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल यूजिंग रेक्टिफायर्स, रेक्टिफायर के मदद से हम क्या कर सकते हैं, AC को माप सकते हैं जैसे हमने पहले बताया। अब देखिए जो रेक्टिफायर वर्ड यूज हुआ है, नो डॉट, आप जब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे,
है ना, वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कैसे होता है हाफ वेव, कैसे होता है फुल वेव, और उसके हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर टाइम मिला तो आगे के दिनों में मैं एनालॉग आप लोगों को बहुत अच्छे से करा दूंगा और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी कराऊंगा, ताकि चीज़ें को हर चीज़ों को अगर रिलेट करते हो तो चीज़ें बहुत आसान और हल्का होना शुरू हो जाता है। तो मैं पहले अपने चीज़ों को कोर इलेक्ट्रिकली कम्प्लीट करता हूँ, उसके बाद आगे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देखिए रेक्टिफायर्स क्या होते हैं। रेक्टिफायर मेनली आपने नाम सुना होगा, आप छोटे से कहीं नहीं कुछ पढ़े हैं तो फिजिक्स साइंस में पढ़े होंगे तो बोलते थे रेक्टिफायर व्हिच कन्वर्ट क्या एसी टू डीसी, एसी टू डीसी यानी इन्वर्टर इज डीसी टू एसी। तो यहां पे समझिए रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर हमेशा काम करता है एसी को डीसी में बदलने की। लेकिन ये भी दो प्रकार के होते हैं, यानी एसी वैल्यू को अगर डीसी में कन्वर्ट करता है तो दो प्रकार के टाइप्स के होते हैं, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है हम अभी डिस्कस करेंगे, पर यहाँ से समझिए फुल वेव रेक्टिफायर जो होते हैं बनाए जा सकते हैं एक तो चार डायोड के मेथड से और एक दो डायोड के मेथड से। इन चीज़ों का ध्यान रहे, फुल वेव रेक्टिफायर बनाए जा सकते हैं एक चार डायोड के मेथड से और दो डायोड के मेथड से। अगर चार डायोड के मेथड से हम बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, और दो डायोड से बनाते हैं तो सेंटर टाइप। नेक्स्ट है हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर को सिंगल डायोड के यूज से भी बनाया जा सकता है, अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो ये होता है फोर ब्रिज टाइप का रेक्टिफायर। अगर देखोगे ना आपके मोबाइल चार्जर भी होता है ना, उसको कभी ख़राब होता है तो तोड़ देना फोड़ देना, उसके अंदर देखोगे तो ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे डायोड का कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके से डायोड का कॉम्बिनेशन होता है ना, इसको बोला जाता है ब्रिज शेप में बनता है तो ब्रिज रेक्टिफायर। डायोड सेंटर टाइप में क्या होता है, ये आपका क्या होता है, इधर एक डायोड लगा दिया जाता है, एक डायोड यहाँ लगा दिया जाता है। इतना हमको अपने को देखने की जरूरत नहीं है, पर मैं एक आइडिया देता हूँ, जब आप एनालॉग पढ़ेंगे आप लोग तो आपको अंदाजा आएगा ये होते हैं टू डायोड के मदद से। तो यहाँ पे बहुत सारा चीज़ होता है, पीक फैक्टर वगैरह क्या होता है, ताकि एनालॉग में बहुत आपको परेशान कर देता है तो वहाँ बहुत चीज़ों को बहुत मतलब बारीकी से सीखना होता है। चलिए यहाँ पे हो गया आपको टू सेंटर टाइप यानी दो डायोड की मदद से, और एक होते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्यों ये रेक्टिफायर की बात कर रहा हूं मैं, हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, अगर आपको एक ही डायोड का यूज करना पड़ता है, सिंगल डायोड का यूज करना पड़ता है। अब मैं इस रेक्टिफायर के बारे में क्यों पढ़ा, क्योंकि इसलिए ये समझा कि एसी के वैल्यू को मापने के लिए रेक्टिफायर के बिना हम नहीं माप सकते। समझिए क्या होगा, मान लो हमारे घर में कहां गया इंस्ट्रूमेंट, हम आप ये मेरे घरों में क्या है, एसी है, इस टाइम एसी लगा हुआ है, ठीक है ना, एसी से हम सप्लाई आ रहा है। अब इस एसी को वोल्टेज से के थ्रू मापना था कि कितना वोल्ट आ रहा है, और इंस्ट्रूमेंट मेरे पास कौन सा होता, पीएमएमसी का इंस्ट्रूमेंट होता। पीएमएमसी का इंस्ट्रूमेंट मैं डायरेक्ट अगर इसको पैरेलल में लगा लेता, अगर ये वोल्टमीटर है तो इसको डायरेक्ट लगाता तो ये रीड करता क्या, नहीं, मुझे पता है नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता इनके सब एसी, है ना, पीएमसी कभी डिफ्लेक्शन नहीं देता है। ऐसे कंडीशन में अब क्या किया जाए, इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास ये डीसी वाला, और अप्लाई जो हमारे पास है यानी हमारे पास जो सप्लाई है वो है हमारा कौन सा, एसी। ऐसे कंडीशन में हमको प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होता है तो हम दो तरीके से इस एसी के वैल्यू को, जो इलेक्ट्रिसिटी अभी आ रहा है हमारे घरों में, उस वैल्यू को दो तरीके से माप सकते हैं, वो भी पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के यूज़ से ही। लेकिन इसके बीच हमको एक चीज़ यूज करना पड़ेगा जो कि है हमारा रेक्टिफायर। चलिए तो पहला देखता हूँ किस चीज़ के मदद से, अगर आपके पास डायोड है तो रेक्टिफायर अब बना लेंगे, लेकिन डायोड किस फुल वेव बनाना है या हाफ वेव, तो ये हाफ वेव के रेक्टिफायर से भी वैल्यू को माप देगा और फुल वेव के रेक्टिफायर से भी मापेगा। लेकिन ये कंडीशन कहता है हाफ वेव से मापोगे तो मुझे ज़्यादा गुना कर देना और फुल वेव से मापोगे तो कम वैल्यू से गुना कर देना। तो मैं एसी के इनपुट वैल्यू को बता दूंगा, यानी हमारे घर में जो वोल्टेज आ रहा है उसकी वैल्यू को ये बता देगा। तो चलिए पहला ही टर्म लिखता हूं मैं, फर्स्ट बाय यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर, बाय यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर्स। फुल वेव रेक्टिफायर के मदद से हम कैसे इस वैल्यू को मेजर करेंगे, यहाँ से देखिए। अगर कोई कहता है, मान लो हमारे घर के सप्लाई है, अभी सप्लाई जो घर पे है, समझिएगा एकदम बारीकी से, ये सप्लाई है 220 वोल्ट का एसी आ रहा है, 220 वोल्ट का क्या है, एसी आ रहा है, और यहाँ पे कोई रेजिस्टिव लोड यानी बल्ब ही लगा हुआ है घर पे, रेजिस्टिव लोड का कोई बल्ब लगा हुआ है। अब ये कितना वोल्टेज है, मुझे इसका वोल्टेज मापना था, अगर ये वोल्टेज डायरेक्ट पीएमएमसी का लगा दूंगा मैं, यहाँ पे पीएमएमसी का वोल्टमीटर लगा दूंगा तो कोई रीडिंग देगा क्या, ये कोई रीडिंग नहीं देगा, नो रीडिंग,
मुझे पता है क्योंकि वो डीसी पे ही काम करता है, एसी पे ही नहीं काम करता। अगर मेरे पास एमीटर होता या पीएमसी का एमीटर डायरेक्ट लगा देता तो हम कहते हैं कि नो रीडिंग, कोई रीडिंग नहीं देगा। तो भाई कैसे रीडिंग देगा? तो हमने अभी यूजिंग फुल वेव रेक्टिफायर, इन्होंने बोला कि फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से ही आप अपने वैल्यू को माप सकते हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ कि आखिर फुल वेव रेक्टिफायर की मदद से हम कैसे माप सकते हैं अपने एसी इनपुट के वैल्यू को। ये देखिएगा, मैं यहाँ से देता हूँ हमारा एसी इनपुट, ये है हमारा एसी इनपुट, एसी इनपुट, और हमारा कोई लोड है, समझिएगा यहाँ कोई लोड है। अभी लोड के नेचर में मैं दे देता हूँ, अगर बल्ब दे रहा हूँ तो उसका रेजिस्टिव, क्योंकि सर्किट में हम क्या करते हैं उसका रेजिस्टिव कंपोनेंट लगाते हैं, यहाँ कोई लोड है ये आरएल। अब किसी ने कहा कि भाई ऐसा करो, आपको अगर एमीटर को मापना है, करंट को मापना है, तो आप इससे पहले क्या लगाओ, इन दोनों वायर के बीच आपने लगाना है एक फुल वेव रेक्टिफायर। क्या लगाना है? फुल वेव रेक्टिफायर, आपने फुल वेव रेक्टिफायर लगा देना है। अगर चाहे वो फुल वेव रेक्टिफायर का पैटर्न कोई भी हो, है ना, अगर हमने फुल वेव रेक्टिफायर यूज किया तो अब यहाँ पे आउटपुट जो मिलेगा, अब आपका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? डीसी। आउटपुट कैसा मिलेगा? डीसी। ये सब एनालॉग में आप लोग पढ़ते हैं। और जबकि इनपुट कैसा था जी, अगर एसी इनपुट की बात की जाए तो एसी इनपुट है हमारा ये, समझिएगा यहाँ पे ये आउटपुट मिला आपको ये, लेकिन इनपुट मिला ये। अगर कोई यहाँ पे करंट की बात कर दे, देखिए करंट और वोल्टेज के लिए सेम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से यहाँ पे गुना होता है। यहाँ पे चाहे मैं करंट की बात करूँ, ये भी मैं करंट की बात करूँ। अब समझिए, अगर मैं करंट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि इसमें अगर करंट की वैल्यू को मापना है तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा? एमीटर। और ये एमीटर कैसा होगा जी? पीएमएमसी टाइप का। ये एमीटर कैसा होगा? पीएमएमसी टाइप का। अगर ये पीएमएमसी टाइप का है तो ये वैल्यू रीड कर देगा कि हम कितना है, लेकिन ये जो भी रीड करेगा वो तो आईपीएमएमसी होगा, पीएमएमसी के वैल्यू को मेजर कर रहा है। इसका मतलब पीएमसी कैसा? डीसी माप रहा है। लेकिन अपने को पता करना है कि एसी इनपुट का करंट कितना है और एसी इनपुट का वोल्टेज कितना है, ये हमारा मेन टारगेट था, क्योंकि रेक्टिफायर तो इसी के लिए यूज़ किए हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ें करनी है तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा अपने को। चलिए इसको रफ करता हूँ मैं, नोट डाउन करिएगा आप लोग, बहुत सारा चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको हर चीज़ पीडीएफ में ना मिले, और अपने से नोट बनाने की आदत डालिए जिसकी ड्यूरेशन लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप हमेशा के लिए बहुत अच्छे कंटेंट खुद से बना लेंगे। चलिए यहाँ पे क्या अब देखने को मिला है कि ये आउटपुट मिला और ये इनपुट था। अपने को मापना था कि एसी का सोर्स का इनपुट करंट कितना है और कितना वोल्टेज है जब इस लोड पे जा रहा है, लेकिन अभी जो माप रहे हैं वो डीसी वैल्यू माप रहा है, यानी यहाँ का इस टाइप के वैल्यू को माप रहा है, जबकि मापना टारगेट था इस टाइप के करंट को। ठीक है, इस टाइप के करंट को, एसी को मापना था, और जबकि ये माप के दे रहा अभी कौन सा? आईपीएमएमसी डीसी वैल्यू को माप के दे रहा, आईडीसी माप के दे रहा है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब समझिएगा कंक्लूजन क्या निकल रहा है। हमने दिया है एसी, हमने इसको इनपुट दिया है एसी, ये रहा करंट के टर्म में पहले बात कर लूँ, ये एसी, जिसका एसी का इन मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? आईएम। और कोई कहेगा इसका आरएमएस वैल्यू कितना होता है जी? तो आई, उसको बोलेंगे आई आरएमएस। ठीक है, आई आरएमएस, और आई आरएमएस अगर एसी के लिए बोला जाए तो आई आरएमएस कितना होगा? अगर कोई बोले आई आरएमएस, आपसे कोई पूछता हो तो कितना होता है? आई एम बाय रूट टू। कितना होता है? आई एम बाय रूट टू। ये तो हमारा एसी इनपुट था, अभी इनकी कोई चर्चा नहीं हो रही है क्योंकि पीएमएमसी रीड कर रहा है। आप पीएमएमसी किस वैल्यू को माप रहा है आप समझिएगा, पीएमएमसी को बेचारा चूंकि हम कन्वर्ट कर दिए हैं डीसी में, तो पीएमएमसी बेचारा रीड कर रहा है डीसी वैल्यू को। डीसी कैसा? पल्सेटिंग डीसी होता है, जैसे ये है, ये पल्सेटिंग डीसी होगा। जब आप रेक्टिफायर्स पढ़ते हैं तो कन्वर्ट होता है, ये पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी तरीके से ये चलता जाएगा पल्सेटिंग डीसी। यानी पीएमएमसी जो करंट अभी रीड कर रहा है वो अभी आई पीएमएमसी रीड कर रहा है, जो कि हम कह रहे हैं एसी के वैल्यू को आईडीसी रीड कर रहा है। क्या कर रहा है? आईडीसी रीड कर रहा है पीएमएमसी इस टाइम।
तो अब भैया हमको ये मापना था मुझे यहाँ से कितना करंट एसी का दे रहे थे, जब इसको हमने नहीं लगाया था तब तो हमको ये मापना था इसमें एसी कितना जा रहा था और एसी सोर्स वोल्टेज कितना है। तो हम पहले करंट की चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने ये देख लिया रिजल्टेंट ये टर्म आया। अब यहाँ पे समझना ये है कि अगर हमारा एमीटर ये रीड कर रहा है तो इनपुट कितना है। इसको समझने के लिए चूंकि अब इंस्ट्रूमेंट तो यहाँ लगा नहीं है फिलहाल, अब जब इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तब तो, पर अब मैथमेटिकली हमको चर्चा करना पड़ेगा। तो हम कहेंगे आपका मीटर कितना रीड किया है, तो ये जवाब देगा हमारा मीटर ये वैल्यू रीड किया, कहेगा कि इसको न्यूमेरिकल में बताइए कितना। तो हम कहेंगे जो यहाँ इसका एवरेज, पीएमसी हमेशा किस वैल्यू को मापता है, एवरेज वैल्यू को, वही तो एवरेज वैल्यू तो क्या है डीसी, आई एवरेज वैल्यू को ही मापेगा डीसी और वही पीएमसी की रीडिंग होगी। तो हम कहेंगे एवरेज मापा, कोई बोला एवरेज इसका कितना आया, कोई बोलता है कि एवरेज कितना आया, तो ये कहता है कि देखो ये जो वैल्यू रीड कर रहा है मैथमेटिकली बात अगर की जाए तो हमारा पीएमसी जो एवरेज वैल्यू मापता है हमेशा, यानी डीसी का वैल्यू मापता है, यानी आई पीएमसी मापेगा, जिसका एवरेज वैल्यू क्या होता है 2IM/π, इसका मैथमेटिकली मान 2IM/π होता है। सर्किट थ्योरी में मैंने इस चीज़ को करा रखा है, एसी एनालिसिस के अंदर आप देखोगे तो मैंने इस सब वैल्यू को कराया है बहुत अच्छे से। तो अगर ये फुल वेव रेक्टिफायर हो उसका एवरेज वैल्यू कभी भी पूछा जाए तो IM/π, ठीक है। और यहाँ से एसी इनपुट आरएमएस जो दिया गया है वो कितना है जी IM/√2, ये वैल्यू दिया गया लेकिन माप क्या रहा है 2IM/π माप रहा है, ठीक है। अगर ये माप रहा है तो अपने को तो ये इनपुट चाहिए था, ये थोड़ी नहीं चाहिए था मीटर के द्वारा, तो ये चाहिए था कि हम इनपुट कितना दे रहा है भाई वो बताओ, लेकिन ये डीसी वाला वैल्यू बता रहा है। तो हम बोलेंगे ठीक है कितना दे रहे हैं मैं बताता हूँ अभी आपको किस तरीके से वैल्यू मापना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो होता है टाइम पीरियड, इसका ये साइकिल, इसका टाइम पीरियड कहाँ होगा जी, ये टाइम पीरियड यहीं आ गया, जबकि इसका टाइम पीरियड कहाँ आता है ये। तो ये सब चीज़ ध्यान रहे, वहाँ हमने बहुत अच्छे से कराया है। एक चीज़ का और ख्याल रखें, इस वेव, इस पल्सेटिंग डीसी, इसको कौन सा बोलते हैं, पल्सेटिंग डीसी इसको बोला जाता है। पल्सेटिंग डीसी में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो मैक्सिमम होता है हमेशा इस एसी का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका भी मैक्सिमम वही होता है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रहे। ये जो वेव बनाता है ना पल्सेटिंग, तो इसका जो मैक्सिमम होता है इसका मैक्सिमम वही चीज़ें होती है। तो चलिए हम कहते हैं कि ठीक है भाई आपने तो बता दिया, तो हम अभी बता रहे हैं कि आपकी एसी की इनपुट वैल्यू कितनी है। चलिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं एक बार रफ करता हूँ इस चीज़ को और फिर आपको बताता हूँ कि क्या होगा। यहाँ से देखिए दो चीज़ें हमने देखा अभी तक, क्या देखा कि इनपुट वैल्यू था IM/√2, IPMMC जो मापा है, PMC की जो रीडिंग आई थी जिसको आई एवरेज वैल्यू कह रहा हूँ, जिसको IDC कह रहा हूँ, वो कितना मापा है उन्होंने वैल्यू 2IM/π, कितना मापा है 2IM/π। अब समझिएगा जब ऐसा कंडीशन होगा तो हमने को ये इनपुट मापना था, इसके लिए क्या कहता हूं, इसके लिए मैं ये कहता हूं RMS ऑफ इनपुट, RMS ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एवरेज, RMS ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ PMMC रीडिंग, या इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग के बारे लिख देते हैं कोई बात नहीं, है ना, या एवरेज ऑफ पीएमसी रीडिंग, पीएमसी जो भी माप रहा है, या इसी को लिख देता है बहुत जगह इनपुट आरएमएस वैल्यू, इनपुट आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाय मीटर रीडिंग। तो भाई मीटर रीडिंग तो वही होगा जो एवरेज पीएमसी की है, और इसके अनुपात कूद करिए, रेशियो करिए, इनपुट कितना था जी IM/√2, क्या विजिबल है वहाँ तक IM/√2। और फिर कोई पूछेगा मीटर की रीडिंग किया PMC कितना माप रहा है 2IM/π, कितना माप रहा है 2IM/π। अब यहाँ आकर इस दोनों को डिवाइड कर दीजिए, यहाँ दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, नीचे देखिए IM से कैंसिल आउट हो गया, ये बचा है 1/√2 और पाए ऊपर चला गया है और नीचे बचा है 2। तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर देखा जाए तो पाए बटा 2√2
पाई बटा टू रूट टू के वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू देगा 1.11। किसी को दिमाग में आ गया होगा फॉर्म फैक्टर, लेकिन समझने की चीज़ है कि क्या डिफरेंस होता है फॉर्म फैक्टर में। फुल वेव रेक्टिफायर में यहाँ फॉर्म फैक्टर के बराबर वैल्यू तो आपको मिल जाता है, लेकिन आप लोग को विजिबल है ना सब कुछ, हाँ ठीक है। लेकिन जब आप बात करेंगे हाफ वे में तो दोनों में डिफरेंस होता है, उन चीज़ों को जरूर हम कंसीडर करेंगे, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूजन में रहता है कि फुल वे में तो 1.11, हाफ में वे में 1.57 या 2.22, क्योंकि इसका भी रिजल्ट निकलेगा, तो हम डिस्कस जरूर करेंगे उस चीज़ को। तो यहाँ पे क्या निकला, ये दोनों का रेशियो 1.11 निकल गया। इसका मतलब पता तो यही करना था ना, RMS इनपुट कितना AC दे रहे हैं, इनपुट RMS वैल्यू कितना दे रहे हैं, यही ना पता करना था अपने को, पता तो यही करना था इनपुट में कितना करंट दिया गया, यानी इससे कहूं कि करंट कितना गुजर रहा है अगर ये सीरीज में लगातार है ना, तो ये अपने को पता करना था और निकल गया था PMMC की रीडिंग। नाउ AC इनपुट रीडिंग कितनी, AC इनपुट वैल्यू अगर को आपको पता करना है, AC इनपुट वैल्यू अगर आपको पता करना है तो क्या होगा जी, AC RMS वैल्यू है ये, तो किस में होगा, RMS में ही है। AC इनपुट RMS पता करना है तो क्या करेंगे, मीटर की जो भी रीडिंग होगी, मीटर शायद येलो आप लोगों को ये ग्रीन नहीं दिखता, मीटर रीडिंग जो भी है, मीटर ने जो भी रीड किया है उसको गुना अगर 1.11 से कर दी जाए तो आपका AC इनपुट का करंट कितना है वो बता देगा। मीटर की जो भी रीडिंग थी उसमें अगर गुना 1.11 से कर देंगे तो AC इनपुट के वैल्यू को बता देगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपके एग्जाम में बड़ा फ्रीक्वेंट इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है, फुल वेव पे भी और हाफ वेव पे भी। देखते हैं क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ तो तय हो गया, यहाँ PMMC इसी को बोल सकता हूँ क्या, और इसी को कोई और बोले क्या बोल सकता है। देखिए AC इनपुट का वैल्यू जो करंट की अगर बात कोई करे तो क्या हो जाएगा, PMMC के कितना मापा, अब भाई उसको गुना कर दीजिए 1.11 से, रीडिंग ऑफ मीटर या बोले IPMMC जितना मापा है उसको गुना कर दीजिए 1.11 से, तो आपका AC इनपुट से कितना करंट जा रहा है वो बता देगा। और वो जो वैल्यू है वो कौन सा वैल्यू है, RMS, हमेशा ध्यान रखें AC इनपुट का कौन सा वैल्यू है, RMS, क्योंकि फॉर्मूला क्या लेके चले हैं, IM/√2। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट मुझे मिला जिसको हम अब डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को कहीं एक जगह मैं लिख देता हूँ, आई होप ये आपके लिए बड़ा कंक्लूजन होगा। मैं अभी इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करा दूंगा तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगा। मैं एक बार कराता हूँ, इसको यहाँ लिख देता हूँ, देखिए पहला ही पॉइंट को डिस्कस करना था, ठीक है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो आपसे कहता है देखिए क्या है, जनरल के लिए इनपुट AC वैल्यू किसके टर्म में, RMS के टर्म में, करंट नहीं लिख रहा हूँ इसलिए नहीं लिख रहा कि करंट के लिए भी गुना 1.1 से ही करते हैं, और वोल्टमीटर होता तब भी गुना कितना होता है 1.11 से, चाहे यहाँ पे वोल्टमीटर लगा के चलिएगा तो कंडीशन V/2Vm/π आता है ना, 2Vm/π आता है, यहाँ पे Vm/√2 आता, तो इस तरीके से आते हैं तो चीज़ें वही आता है, इसलिए मैं लिखता हूँ AC इनपुट वैल्यू RMS के टर्म में अगर पता करना है तो क्या करना है, IPMC की जो रीडिंग होगी उसको गुना कर दीजिए 1.11 से, उसको गुना कर दीजिए 1.11 से, या फिर हम कहेंगे रीडिंग ऑफ PMMC मीटर जो भी रीडिंग दिया है उसको आप गुना कर दीजिए 1.11 से, तो AC इनपुट में यही तो लेके चले थे, जो भी RMS वैल्यू होगा वो बता देगा। बहुत 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 इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, कहीं कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है ना। अब हम इस पे बेस्ट क्वेश्चन करेंगे कि ये किस तरीके से जवाब देता है, कैसे ये कहता है, क्या कहता है, तो क्वेश्चन आपको और ज़्यादा क्लियर करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने इस पे लिया है, इस जो हमने अभी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखा, अब ये यहाँ पे है, थ्योरी हमने देख लिया, कह रहा है द रीडिंग ऑफ PMMC इंस्ट्रूमेंट इज 2.5 एम्पियर, देन फाइंड AC इनपुट करेंट इफ वी मेजर इट बाय हेल्प ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर।
यानी ये क्या कह रहा है कि एसी इनपुट जो है इसका बताइए करंट कितना है, ये बताइए कितना है, अगर इसको हमने एक फुल वेव रेक्टिफायर के मदद से मापा है और इसका जो वैल्यू है करंट का वो कितना मापा है। इसने बोला कि इसने मापा है आई पी एम एम सी, ये कितना मापा है एमीटर, ये मापा है 2.5 एम्पियर आपसे मापा है। एसी इनपुट पूछ रहा है कितना होगा, जबकि विद द हेल्प ऑफ किसका हेल्प लिया है इसने, फुल वेव रेक्टिफायर का। तो नो डाउट आप कहोगे एसी इनपुट पता करना है, तो बड़ी सिंपल है, आपने डीसी मापा कोई बात नहीं, एसी इनपुट पता करना है तो सिर्फ रीडिंग आई पी एम एम सी कितना मापा है उसको गुना कर दूंगा मैं किससे, 1.11 से, तो वो आपका एग्जैक्ट वैल्यू होगा। यानी 2.5 को अगर गुना मैं कर दूं 1.1 से, जो भी वैल्यू होगा वो इतना एम्पियर होगा। आप इसको गुना करिए, मैं आपको गुना करके बताता हूँ, इस वैल्यू को अगर गुना करेंगे तो कितना एग्जैक्ट डाटा देगा। एक सेकेंड, आप लोग खुद गुना कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1.11 क्रॉस 2.5 यानी कितना देगा, 2.775 एम्पियर, इतना माप रहा है। समझिएगा क्या माप रहा है, ये 2.77 इतना एम्पियर। इस ये एसी इनपुट था, इसका मतलब है एक ऐसा एसी दिया गया, यहाँ से जो एसी दिया गया है, ये जो वैल्यू है एसी का, इसका आरएमएस वैल्यू कितना है जी, इसका आरएमएस वैल्यू कितना है 2.77। ये कौन सा वैल्यू है, IRMS, हमेशा दिमाग में रहे, जो एसी अपन इनपुट माप रहे हैं वो, चूंकि आपके घर में 220 आ रहा है तो कौन सा वैल्यू है, RMS, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना है, एसी इनपुट जो होता है वो आपका क्या है, यहाँ पे RMS वैल्यू। लेकिन इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ देता है कि बताइए प्राइमरी जो इनपुट ये यूज किया गया रेक्टिफायर, तो आपको क्या पूछा, फाइंड द एसी इनपुट, अगर ये करंट पूछा है तो आरएमएस निकाला, पूछ देता है कि एसी इनपुट का मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा। समझिएगा इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता कि एसी इनपुट का मैक्सिमम करंट का वैल्यू, अभी तो सिर्फ करंट पूछ दिया, बोलता है कि पीक वैल्यू करंट का कितना होगा एसी इनपुट का, तो हम क्या करेंगे पीक वैल्यू के लिए जी, आई पीक करंट अगर पूछता, यानी ये मान पूछ लेता है एसी इनपुट का, अभी जो दिया हुआ है अभी ये ऐसा वैल्यू को मापा है, इसका कौन सा वैल्यू मापा है एवरेज, जिसका मान क्या है 2 IM/π, कितना मान होता है जी 2 IM/π। तो आप यहां से भी ऐसे माप सकते हैं, देखिए किस तरीके से तरीका होता है, IMN मापना है, चूंकि हमको पता है इसका IM हमेशा बराबर होता है। अगर IM निकालना है तो आपको पता है ये 2.5 है तो IM नहीं निकल जाएगा, यहां से भी एक तरीका है निकालने का, और वहां का जो IM होगा वही यहां का भी IM होगा, जो यहां का IM होगा वही यहाँ का भी IM होता है। एक तो तरीका वहाँ से निकालने का, दूसरा तरीका यहाँ से निकालिए, आई पीक बोल रहा है तो अपने को पता है ये RMS निकल गया, IRMS को अगर √2 से गुना कर दूँ तो आई पीक नहीं निकल जाता क्या, इसी को ना बोलते हैं IM, पीक वैल्यू है IM, अगर निकाल जाए तो क्या करेंगे 2.775 को गुना किससे कर देंगे √2 से, को गुना किससे कर देंगे, क्या विजिबल है, विजिबल है, अब इसको गुना कीजिए इतना एम्पियर होगा क्या एसी का इनपुट। तो पूछने के तरीके बहुत अच्छे बहुत होते हैं, आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट बस बिल्ड करना पड़ता है, कैसा भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा आप जवाब देंगे। यानी अभी जो भी वैल्यू आया उसको मैं गुना कर दूं, अगर √2 से अगर गुना कर दूं, एक सेकेंड, √2 से अगर गुना कर दूं तो वैल्यू देगा 3.9, वैल्यू दे रहा है 3.92 एम्पियर, यानी इसका मैक्सिमम करंट कितना है 3.92 इतना एम्पियर, जबकि आरएमएस कितना बताइए। अब यहां से कोई निकालना चाहे कि यही वैल्यू दिया हुआ है यहीं पे इसका मैक्सिमम निकाल देते हैं, मैक्सिमम तो सेम होता है ना, चूंकि आरएमएस के लिए यहां जाना पड़ा, लेकिन मैक्सिमम तो यहां पे निकाल सकता है, मैक्सिमम कैसे निकलेगा, तो यहां पे मैक्सिमम निकालने के लिए हम जानते हैं आई एवरेज कितना दिया हुआ है यहां पे 2.5 बराबर क्या होगा यहां पे 2 IM/π। अब बताइए IM कितना होगा, आप ही निकालिए, अगर IM क्या ये नीचे विजिबल है, IM को यहाँ पे पूछ देता
वो आई एम यहाँ का बोले या यहाँ का बोले, हमेशा बराबर होता है, ध्यान रखें। चाहे फुल वेव रेक्टिफायर हो, उसको रेक्टिफाई करके अगर अपन किस में कन्वर्ट कर दिए हैं, फुल वेव एसी है, उसका पीक जो होगा और जो रेक्टिफाइड आउटपुट का पीक होगा वो हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ से निकालिए या यहाँ से निकालिए, बात एक ही होती है। अगर यहाँ पर बात करूँ तो क्या निकलेगा आई एम का वैल्यू के लिए, 2.5 क्रॉस पाई डिवाइडेड बाय 2। अब इसके वैल्यू को निकालिए आप, मैं खुद गुना करके बताता हूँ आपको, सब क्लियर हो जाएगा। क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2.5 क्रॉस पाई का वैल्यू मैं ले लेता हूँ 22/7, 22 ठीक है, गुना डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, सॉरी डिवाइड कर देता हूँ कितना से, 7 से डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करना है कितना से, 2 से करना है, तो फिर वैल्यू एग्जैक्ट आ गया। कितना वैल्यू आ गया आपका, 3.92 एम्पियर। तो देखिए, घुमाने कितना भी घुमाने के वे बहुत हो सकते हैं, क्वेश्चंस पूछने का तरीका बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए और ये कैसे होता है। ध्यान रहे, मैं कल भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, आगे भी बोलता रहूँगा, आपको अगर सब्जेक्ट बहुत अच्छा करना है तो आप सर्किट थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़िए। जिस स्टूडेंट का सर्किट थ्योरी बहुत अच्छा हो गया, यानी नेटवर्क बहुत अच्छा हो गया, वो ना मशीन में फंसेगा, ना मेजरमेंट में फंसेगा, ना पावर सिस्टम में अटकेगा, कहीं नहीं अटक सकता। अगर कोई अटक सकता है यहाँ पे, तो समझिए उसको आरएमएस में कहीं ना कहीं दिक्कत है, एवरेज में कहीं ना कहीं दिक्कत है, पीक में कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसीलिए आप जरूर वहाँ पे जाएं और हर चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से समझें। मैं एक एक चीज़ को इसीलिए लिंक करता हूँ कि आप कहीं ना फंसे, अगर आप इस लेवल की तैयारी करते हैं तो गेट में भी जाइए, आईएएस की प्रिपरेशन कीजिए। आपको हार्डली यहाँ से 20% ऑफ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, और वो भी न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत करना पड़ता है, क्योंकि वह न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, यहाँ पे थ्योरिटिकल बेस्ड होते हैं। तो मैंने बोला थ्योरी जिस लेवल से एसएससी या कोई स्टेट लेवल का पूछता है, जो थ्योरी लेवल होती है ना, उससे ऊपर हम हमेशा रखेंगे, ताकि आपके नीचे वाले सब चीज़ों को क्या करें, आराम से क्रैक कर सकें। चलिए, तो ये वैल्यू आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। ध्यान रहे, अगर ये वोल्टेज के लिए बोला जाए तब भी चीज़ें वही होगी, वोल्टेज के लिए पूछा जाता तो क्या होता, यहाँ पे वोल्टमीटर लग जाता। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिया हूँ, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिल्कुल बनेगा ये चीज़ें। कह रहा है आपका, एक फुल वेव रेक्टिफायर लिया गया है, लेकिन सेकेंडरी साइड एक रेजिस्टेंस है जिसका मान आपको दिया गया है 2 ओम। बोला है कि वहाँ पे हमने सीरीज में एक एमीटर लगा दिया है जो पीएमसी एमीटर है, जिसकी रीडिंग है 4 एम्पियर। तो यहाँ पे पीएमसी एमीटर दिया है, लेकिन पूछ रहा है जो एसी इनपुट दिया गया है, एसी इनपुट जो दिया गया है उसका वोल्टेज बताइए कितना, वोल्टेज कितना होगा, वो इनपुट दिया हुआ जो है, इनपुट जो दिया हुआ है उसका वोल्टेज कितना होगा। अब कहोगे एमीटर दिए हो तो करंट पूछना चाहिए था, वोल्टेज पूछ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा चीज़ों को। अगर ऐसा टर्म दिया गया रहे तो क्या करना होता है अपने को, सबसे पहले अगर ये एवरेज वैल्यू दिया होता है, पीएमसी जो रीड करता है वो हमेशा कैसा वैल्यू, एवरेज, और उसको रेजिस्टेंस से गुना कर दूं तो एवरेज वोल्टेज मिलेगा कि नहीं, यानी यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना मिल रहा है जी, यानी अगर पीएमसी का अगर वोल्टमीटर लगा होता तो क्या करता, इस 2 एम्पियर के साथ गुना हो जाता है आई पीएमएमसी के साथ, किससे गुना हो जाता है आई पीएमएमसी के साथ, यही तो वोल्टेज हो गया यहाँ का, होगा कि नहीं वोल्टेज, ये यहाँ का वोल्टेज हो गया। अगर वोल्टेज निकल गया तो समझिए काम आपका हो गया, इसका मतलब अगर यहाँ पे पीएमएमसी का एक वोल्टमीटर लगा होता, पीएमएमसी का एक वोल्टमीटर लगा होता वीपीएमएमसी का, तो वो यही मापता, और ये कितना मापता, तो ये मापता वीपीएमएमसी की जो रीडिंग होती वो होता है 2 × 4, इसका मतलब 8 वोल्ट, कितना मापता 8 वोल्ट। आपको इनपुट पता करना था, आपको वोल्टेज के टर्म में चाहिए, चूंकि इनपुट वोल्टेज में दिया है तो वोल्टेज का ही रेशियो रहेगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से समझिए, इनपुट आरएमएस वोल्टेज, इनपुट आरएमएस वोल्टेज डिवाइडेड बाय, हमेशा देखिए आरएमएस वोल्टेज का तो वोल्टेज का रेशियो देना है, करंट में तो करंट का ही रेशियो देता, बट पीएमएमसी वोल्टेज रीडिंग, पीएमएमसी की जो भी वोल्टेज की रीडिंग होगी, ठीक है ना, रीडिंग क्या होगी जी, हम जानते हैं पीएमसी करंट इतना दे रहा है, रेजिस्टेंस इतना है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना होगा वो पता चल जाएगा अपने को। तो इनका रेशियो हमेशा क्या होता है 1.11, ऑब्वियसली अब इनपुट आरएमएस पूछ रहा है, इनपुट
वोल्टेज पूछ रहा है, चलिए एसी का इनपुट वोल्टेज पूछ रहा है, वही तो पूछ रहा है। तो क्या कहेंगे जो पीएमएमसी की रीडिंग होगा, अब पीएमएमसी की करंट की रीडिंग नहीं लेंगे क्योंकि वोल्टेज बोला है ना, तो अब वोल्टेज के टर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, तो वोल्टेज कितना है वोल्टेज है हमारा 8, यानी 8 इंटू कितना है 1.11। अगर इन दोनों को गुना कर दिया जाए तो हमारा एसी इनपुट का वोल्टेज मिल जाएगा। ये कौन सा वोल्टेज मिलेगा? आरएमएस। हमेशा कौन सा वोल्टेज मिलेगा? आरएमएस। अगर पीक बोलेगा तो फिर रूट टू से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको आप गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 8 8 8। अगर आप गुना करेंगे सबको तो कितना हो जाएगा, इतना 888 वोल्ट, कितना हो जाएगा इतना वोल्ट। इसका मतलब एसी इनपुट वोल्टेज कितना है, 8.8 वोल्ट एसी इनपुट है ना। जबकि लोड पे एवरेज वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट। लोड पे एवरेज वोल्टेज कितना है, 8 वोल्ट। वहाँ पे अगर हमको एसी वोल्टेज मेजर करना था तो वो फिर हमको उसी तरीके से मिलेगा जैसे यहाँ, वहाँ भी उतना ही मिलेगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम चीज़ों को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब वोल्टेज का रेशियो होगा तो सिर्फ वोल्टेज का रेशियो देना है, करंट के टर्म में होगा तो सिर्फ करंट का रेशियो देना है, ठीक है ना। ये ध्यान रहे, इनपुट वोल्टेज तो और पीएमसी का वोल्टेज की रीडिंग देना, ऐसे नहीं कि करंट का दे देंगे, कैसे होगा, क्योंकि वोल्टेज वोल्टेज का ही रेशियो होगा जब भी होगा और करंट करंट का ही रेशियो होगा जब भी होगा। आई होप यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए आगे हम और देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के रिगार्डिंग। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ कि अगर हमारे पास एक ही डायोड हो मेरे रूम में और एसी है, तब हम पीएमसी के मदद से कैसे मापेंगे इन वैल्यू को। देखिए अब यही चीज़ें यहाँ पे की गई है, यहाँ पे डायोड देखिए एक ही लगा हुआ है, ब्लैक कलर का डायोड है ना, पता नहीं बहुत नज़दीक से क्यों नहीं दिखता है आप लोगों को। ये देखिए एक डायोड लगा हुआ है ना, नीचे रेजिस्टेंस है, तो कलर कोडिंग भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब एक ही डायोड लगा हुआ है तो इसका मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर से जो भी इंस्ट्रूमेंट मेज़र करेगा उसमें हम कितना गुना कर दें कि एसी के इनपुट के वैल्यू को बता देगा, है ना। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं यहाँ से, मेजरमेंट ऑफ एसी बाय यूजिंग पीएमएमसी टाइप इंस्ट्रूमेंट इन हाफ वेव रेक्टिफायर के टर्म में। हाफ वेव अगर रेक्टिफायर हमने पहले लगा दिया है, उससे पहले ये देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, उससे पहले हमने हाफ वेव का रेक्टिफायर का यूज कर लिया है, तो किसी लोड के साथ अगर यूज करेंगे तो क्या होगा इसे कंडीशन में, समझिएगा यहाँ पे बारीकी से यहाँ से समझिएगा क्या होता है इसे कंडीशन में। अगर हाफ वेव के वैल्यू को मेजर करना है, ठीक है ना, हाफ वेव के वैल्यू को मेजर करना है तो क्या रीड करेगा, यहाँ से समझिएगा एसी इनपुट कैसा होगा। अब भी एसी इनपुट की अगर बात कोई करे तो एसी इनपुट ये रहेगा। इस बार मैं करंट ना लेके वोल्टेज ले ले रहा हूँ, पहले करंट का कर दिया हूँ तो इस बार आपको कहीं ना लगे कि वोल्टेज में पता नहीं क्या होता होगा, तो हम वोल्टेज का कर लेते हैं। करंट का होता तो यहाँ पर इसके सीरीज में लगा देता है ना, और पैरेलल में है तो इसको पैरेलल का वोल्टेज लगा देते हैं। एक चीज़ और, किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये डायोड जब भी होगा वो मेजर करेगा तो इसी इंस्ट्रूमेंट के साथ लगा रहेगा, क्योंकि अपन दिखाते हैं कि हाँ यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तभी हम कैलकुलेट करके बताते हैं, चूँकि इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं मेरे पास, है ना। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा क्या है, इनपुट वोल्टेज तो यही होगा ना जी, इनपुट है इसी के बारे में मापना है, जबकि आउटपुट इंस्ट्रूमेंट दे रहा है, ये है इनपुट एसी इनपुट, समझिएगा बिल्कुल बारीकी से। आउटपुट ये है आउटपुट वेवफॉर्म यही मिल रहा है रेक्टिफायर के थ्रू जो गुजरेगा, यानी इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जो गुजरेगा वो क्या होगा, उसमें डायोड एक लगा है तो आउटपुट देगा वो कैसा, किसके करस्पॉन्डिंग देगा, वो डायोड के करस्पॉन्डिंग देगा, आउटपुट वेवफॉर्म ये है। अगर हाफ वेव रेक्टिफायर है तो ऑब्वियसली सिर्फ क्या पास आउट होगा, यहाँ से हाफ वेव ही पास होगा। तो इसकी बात चर्चा की जाए तो ये पास होगा इसमें कुछ नहीं, ये पास होगा इसमें कुछ नहीं, ये पास होगा, है ना, ऐसा ही वेव आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा वेव देखने को मिलेगा तो एक चीज़ ध्यान रहे फिर से, जिस तरीके से ये वोल्टेज है इसका मैक्सिमम वोल्टेज यहाँ होता है, रेक्टिफाई होने के बाद भी पीक वोल्टेज में कोई चेंजेज नहीं आते, ये सब चीज़ आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ना है, पीक वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं होता, लेकिन यहाँ नेगेटिव साइकिल चलता है, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल आउटपुट आपको नहीं मिलता, क्योंकि हाफ वेव है, नाम से ही पता चला हाफ वेव मिला, इसमें नहीं मिला, फिर नहीं मिला, फिर इसमें मिला, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पहले से जानना पड़ेगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू, या फिर मैंने सर्किट थ्योरी में आपको ऑलरेडी बताया है। अगर इस वेव का कोई आपको
आरएमएस पूछे पिक तो ठीक है, आरएमएस पूछे तो आरएमएस एकदम पिक के बराबर नहीं होता, उसका रूट टू भाग होता है, तो इसका कोई पूछे वीआरएमएस कितना होगा एसी इनपुट का, एसी इनपुट का तो हम कहेंगे जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा उसको कितने से भाग दे दीजिएगा, रूट टू से, वही उसका आरएमएस वैल्यू होगा। बाकी आरएमएस और एवरेज का कॉन्सेप्ट कितना धांसू होता है वो आप सर्किट थ्योरी में देख सकते हैं, जिसको मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। यहाँ पे फिर बोलता है कि डीसी वोल्टेज आउटपुट है, ये कैसा आउटपुट है, आउटपुट कैसा है जी, ये तो रेक्टिफाई होने के बाद है, रेक्टिफाई आउटपुट होने के बाद है, तो इस कंडीशन में अगर इसका कोई पूछे, मैक्सिमम तो यही है वीएम यही रहेगा, लेकिन इसका कोई पूछे कि वी एवरेज, अब चूंकि सब पॉजिटिव है तो इसका एवरेज ही निकलेगा, इसका एवरेज भी एवरेज क्यों निकलेगा, क्योंकि हम पीएमएमसी से एवरेज ही मापते हैं, तो इसका मतलब ये रीडिंग वही देगा जो इस वेव का रीडिंग होगा, तो एवरेज के लिए हाफ वेव का क्या होता है वीएम बटा पाए, क्या होता है वीएम बटा पाए। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये सब टर्म है जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं, ये भी ध्यान रहा, ये तो मैं ये हमारे लिए हिस्सा बना हुआ है, लेकिन बहुत सारे एसएससी जेई में भी सीधे पूछता है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए एवरेज वैल्यू का मान क्या होता है, तो वीएम बाय पाए। फुल वेव रेक्टिफायर एसी के लिए पूछा जाए, एसी वेव फॉर्म के लिए तो वीएम बाय रूट टू, और फुल वेव रेक्टिफायर का आपका रेक्टिफाइड आउटपुट के लिए अगर एवरेज वैल्यू पूछे तो वीएम बाय पाई। यहाँ पे देखिए 2 वीएम बाय पाई, वहाँ क्या होता है 2 वीएम बाय पाई, और यहाँ हाफ है तो वीएम बाय पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने ये रीड किया, अब देखिए कोई कहता है कि भाई अब बता दो कि हमारा पीएमसी तो रीड कर रहा है इतना, पीएमसी रीड कर रहा है इतना, तो इनपुट कितना होगा, तो हम कहेंगे इनपुट वोल्टेज किसके टर्म में, आरएमएस के टर्म में होगा, बाय किसकी रीडिंग, पीएमसी की जो रीडिंग होगी वो हमेशा क्या होगा, पीएमसी की जो रीडिंग होगी कि इसको रेशियो दीजिए, तो इनपुट वोल्टेज कितना है जी वीएम, अब वोल्टेज का इसे एक बार लेके दिखाएं, इससे पहले करंट का लेके दिखाया था, तो वीएम बाय रूट टू, अब पीएमसी की रीडिंग जो देगी वो क्या देगा जी, इसका एवरेज वैल्यू देगा, जिसका मान क्या होता है वीएम बटा पाई, जिसका मान वीएम बटा पाई। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहें ये कट जाएगा और बच क्या जाएगा, बच रह जाएंगे ख्वाहिश तुझे पाने की साड़ी, हम चलो बात करते हैं आगे, पाई बटा रूट टू, ठीक है बच क्या गया पाई बटा रूट टू, पाई बटा रूट टू के वैल्यू को अगर आप करेंगे ना तो आपको निकलेगा 2.22, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। जिस तरीके से ये मेरा एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दे दिया कि अगर पीएमएमसी की जो भी रीडिंग होगी उसको अगर 2.2 से गुना कर देंगे तो आपका एसी इनपुट का वोल्टेज बता देगा, तो ये कौन सा वोल्टेज बताएगा आरएमएस के टर्म में, फिर कहेगा कि पीक बताइए तो उसमें क्या कर देंगे रूट टू से गुना कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस चीज़ का आपको ख्याल रहे। तो चलिए हम अब यहाँ से देख लेते हैं कि ये जो रीडिंग दे रही है ये क्या दे रहा है, इसको रफ कर देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया हमारे पास। चलिए क्या कह रहा है, अब एसी इनपुट वोल्टेज किसी टर्म में कैसे भी करके लिख सकते हैं, अगर पूछता है ये तो हमेशा कौन सा वैल्यू देगा, अभी फिलहाल ये जो फॉर्मूला के बेस्ट पे आरएमएस, तो क्या दें कहेंगे रीडिंग ऑफ पीएमएमसी मीटर जो भी माप रहा है उसको गुना किससे कर दीजिए 2.22, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो फॉर्मूला निकल गया तो सीधे गुना कर देना है, अगर वैल्यू सिंपल दे दिया आपके एग्जाम में तो एकदम सीधे गुना कर देना, ठीक है, और वैल्यू आपका आराम से फट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब समझिए क्या बात हो रही है, हमने फुल वेव का देखा हाफ वेव का देखा, अगर इंस्ट्रूमेंट कहता है, कहाँ गया पीएमसी भाई, अगर इंस्ट्रूमेंट कहता है, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट कहता है कि कहीं पे आपको अगर डीसी तो नॉर्मल वे में एक ही डायरेक्शन होता है तो उसमें रेक्टिफायर लगा हो नहीं लगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, डीसी को तो आराम से माप देगा, अगर इसी में हमने एक रेक्टिफायर का यूज़ किया है, यहाँ देखिए एक काला सा कलर का है ना रेक्टिफायर, एक रेक्टिफायर का अगर आपने यूज़ किया है तो अगर इसको अगर ये वोल्ट मीटर है इसको अगर मैं अपने घर में तो 3 पिन के साथ लगा दूं, जिसमें 2 पिन में लगाऊंगा एक न्यूट्रल और एक मेन फेज से, तो ये जो रीडिंग अभी देगा जो भी रीडिंग देगा उसके साथ कितना गुना पढ़ना पड़ेगा 2.22, क्यों, क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर का कॉम्बिनेशन है, और जब इसमें फुल वेव रेक्टिफायर होता तो गुना कर देते 1.11 से, तो ये बता देता एसी इनपुट का वोल्टेज कितना है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। हम आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, इस रिजल्ट को मैं अब देखिए यहाँ पे, अब हमने दूसरा रिजल्ट क्या निकाला। अगर एसी इनपुट वैल्यू आपको निकालना है वो भी आरएमएस के टर्म में होगा, तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी अगर वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज में लिखना है, तो क्या करेंगे, वोल्टेज पीएमएमसी जो भी रीड किया उसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2.22 से। कितना, 2.22 से। और अथवा अगर कोई बोले ये कि करंट एसी इनपुट निकालना था, तो क्या करेंगे, अमीटर जो भी मापेगा आपका पीएमसी का उसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 2.22। एक ही तो चीज़ है, वोल्टेज के लिए एक बार लिखा बता दिया आपको, बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ भी कोई कहे कि इसके लिए भी हो सकता है क्या, बिल्कुल, वी पी एम एम सी कोई यहाँ पर निकालेगा तो कितना करना पड़ेगा, सॉरी ये वी पी एम सी यहाँ पे इनपुट अगर करना पड़ेगा, तो यहाँ पे वी पी एम एम सी की जो भी रीडिंग वोल्टेज के टर्म में देगा उसमें गुना कितना करेंगे, 1.11। तो वोल्टेज के बारे में बताएगा, करंट के बारे में हमेशा, चाहे वोल्टेज हो करंट, इसमें फुल वेव के लिए 1.1 से गुना, हाफ वेव में 2.2 से गुना। क्यों 2.22 से, क्योंकि हाफ वेव में तो कमी वेव था ना, कमी वेव को माप रहा है, तो एसी के फुल वेव के बारे में आपको जवाब देना है तो ज़्यादा से गुना करना पड़ेगा। और जब फुल वेव रेक्टिफायर था तो फुल तो कन्वर्ट था ही, ज़्यादा तो माप ही रहा था, उसमें कमी की गुना करनी थी जिसका मान था 1.11। तो ये इम्पोर्टेंट आपका कंक्लूजन है दोनों। अब कहाँ मैं इसको रिलेट करता हूँ, चीज़ों को देखिएगा, इसको रिलेट मैं करूँगा अभी थोड़ा फॉर्म फैक्टर से। बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, सर फुल वेव का रेक्टिफायर जो आया था, फुल वेव का जो होता है हमारा फॉर्म फैक्टर वो होता है 1.11। फॉर्म फैक्टर जो होता है किसका, फुल वेव रेक्टिफायर का 1.11, फुल वेव एसी का। अगर हाफ वेव एसी का के बाद आपसे फॉर्म फैक्टर पूछता है हाफ वेव इनपुट सिग्नल का, तो आपका होता है 1.57। ये कन्फ्यूजन कभी भी इसके साथ मर्ज नहीं करना, ध्यान रहे। यहाँ फॉर्म फैक्टर जो फुल वेव का निकालते हैं, फॉर्म फैक्टर जो हाफ वेव का निकालते हैं, यहाँ पे होता है 1.11 और यहाँ होता है 1.57, बड़ा एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ जो हम निकाले हैं ये दोनों का रेशियो, इनको रेशियो और इनका रेशियो से 1.11, और इनका इनके साथ रेशियो को दे देंगे तो होगा 2.22। तो इसको मर्ज नहीं करना, क्यों आप समझिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जब दोनों को डिवाइड करते हैं तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, आरएमएस बाय एवरेज, आरएमएस बाय एवरेज। तो आरएमएस क्या होता है, एवरेज क्या होता है, आरएमएस होता है फुल वेव का आरएमएस और फुल वेव का एवरेज, फुल वेव का आरएमएस और फुल वेव का एवरेज दोनों को डिवाइड करते हैं तो संयोग से 1.1 ही आता है। और यहां से भी हमने किया था, फुल वेव का इनपुट से भागा दिए किसको, एवरेज से, इनपुट आरएमएस था उसको एवरेज से भागा दिए तो 1.11 आ गया। लेकिन जब हाफ वेव के बारे में बात करें तो हाफ वेव में कहता है हाफ वेव के एसी जो नेचर है उसका एस से भागा, और इसका एवरेज आरएमएस जब निकालते हैं के साथ किया हो ना, अगर वी के साथ किया हो तो वी आरएमएस का अगर निकालते हैं तो होता है वी एम बाय टू हाफ वेव का। और फिर चूंकि इसका फॉर्म फैक्टर जो होता है ये कहता है, अगर हाफ का निकाले तो दोनों का हाफ का आरएमएस लिखिए और हाफ का एवरेज लिखिए, तो इसीलिए हाफ का आरएमएस एवरेज जब भी निकालते हैं तो चीज़ें क्या हो जाता है, यहाँ पे आप कह सकते हो Vm बटा 2। एवरेज जब कोई निकालता हो तो उसके लिए क्या होता है, Vm बटा पाई, क्या होता है, Vm बटा पाई। अब ये डिवाइड करते हैं तो निकलता है 1.57। और इधर आइए यहाँ समझिए, और यहाँ क्या किया हूँ, अभी भी इनपुट फुल वेव का ही ले रहा हूँ, अभी भी इनपुट क्या ले रहा हूँ, फुल वेव का ही, और आउटपुट ले रहा हूँ, आउटपुट जो है वो हाफ वेव का है, आउटपुट कैसा है, हाफ वेव का, इसीलिए डिफरेंस आता है। यहाँ इनपुट में फुल वेव ही चल रहा है, आउटपुट में हाफ वेव चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इनपुट में भी हाफ वेव का और आउटपुट में भी हाफ वेव का, इसीलिए फॉर्म फैक्टर तो यही होता है, इसीलिए यहाँ पे आता है 1.57 और यहाँ जाता है 2.22। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सब अपन रिलेट नहीं करते तो बहुत कन्फ्यूजन रहता पूरी ज़िंदगी भर, इसीलिए सीख रहे हैं तो बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो ये चलिए इस पर बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। ओके, दो इम्पोर्टेंट हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं, अब इस पे हाफ वेव पे भी एक क्वेश्चन करा देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। कह रहा है द रीडिंग ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज 2 वोल्ट, एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट है जो रीड कितना कर रहा है, 2 वोल्ट। इफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज यूज, अगर इसमें हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज किया गया है, देन फाइंड एसी इनपुट वोल्टेज कितना होगा। इसका मतलब ये है कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर का यूज किया गया है, एसी इनपुट पूछ रहा है कितना होगा, जबकि यहाँ पे जो भी लगा लोड उसका वोल्टेज इसने कितना बताया है जी, इसका वोल्टेज इसने बताया है
वी जो वोल्टमीटर है कौन सा पीएमएमसी, ये कितना माप रहा है 2 वोल्ट, ये माप रहा है 2 वोल्ट। तो एसी इनपुट बताइए, एसी इनपुट या ए वी आरएमएस यहाँ का कितना होगा, ठीक है यही तो पूछ रहा है। इसका मतलब है कि जब हाफ वेव रेक्टिफायर में हम करेंगे, हाफ वेव में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ का वोल्टेज 2 दे दिया तो यहाँ के लिए क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली वी इनपुट जब भी पूछ देगा और ये वैल्यू हमेशा वी आरएमएस में ही रहता है, तो क्या करते हैं 2.2 से गुना कर देते हैं और पीएमएमसी की रीडिंग से गुना कर देते हैं, पीएमसी की रीडिंग से। तो 2.22 गुना पीएमसी की रीडिंग कितनी है 2 वोल्ट। इसका मतलब जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 444 पॉइंट इतना वोल्ट, कितना हो गया इतना वोल्ट, समझिए 4.44 इनपुट एसी भेजा गया आरएमएस जिसको पीएमसी रीड कर रहा है कितना सिर्फ 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये हाफ वेव रेक्टिफायर था, हाफ वेव। इनपुट में आपने फुल वेव दिया है, इनपुट में बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन आउटपुट में जो पीएमसी रीड कर रहा है वो क्या रीड कर रहा है जी, सिर्फ आधा वेव ही, यहाँ का आधा वेव आधा वेव, इस तरीके से ये तो है नहीं, तो इसीलिए बहुत कम है, बहुत कम है। तो उसको भरने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है 2.22 से गुना करना पड़ता है। तो आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे पीक पूछे, वोल्टेज के टर्म पूछे, करंट के टर्म में पूछे, तो किस तरीके से आप कर सकते हैं आई होप ये अच्छे से सीख चुके होंगे। ये फाइनली ये इंस्ट्रूमेंटेशन क्यों कैसे हम यूज़ करते हैं ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। पूरी लगन से मेहनत कीजिए, जितना मैं एफर्ट्स लगा रहा हूँ आई होप आप लोग भी उतने ही मेहनत करेंगे, कीजिए। मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं होता। आगे के टर्म हम डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना ही, गुड लक, हैव अ नाइस डे।